बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू जॉय ऑफ कुकिंग विद आयशा दलाल। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। और आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लाई हूँ वो रोज़मर्रा के खानों की सीरीज़ में ही है, चने की दाल और लौकी। और देखें, बच्चे जो हैं वो सब्ज़ियाँ नहीं खाते हैं और लौकी की जो है वो इफादियत बहुत ज़्यादा होती है, तो इस तरह से अगर दाल के साथ मिला के देंगे तो आई एम श्योर बच्चे भी बहुत इन्जॉय करेंगे। और गर्मियों में जो है एक लाइट सी ठंडी सी चीज़ हो जाती है तो सभी लोगों के लिए अच्छी रहती है। तो आइए आज की सिंपल सी रेसिपी शुरू करते हैं मेरे स्टाइल में। अच्छा, इसके लिए मैं जो है यहाँ पर 3-4 जो है साबुत गोल लाल मिर्च लूँगी और 1 से 2 जो है वो दालचीनी लूँगी। और यहाँ पर जो है 2 प्याज मैंने चॉप करके बारीक रखी हुई हैं, 3 टमाटर बारीक चॉप करके रखे हुए हैं, हरा धनिया है हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्चें हैं 2 से 3 सिर्फ कलर के लिए, लहसुन अदरक है 2 टीस्पून, चने की दाल जो है वो 2 कप बॉईल की हुई है, उबली हुई 2 कप है, ठीक है। और लौकी जो है मैंने तकरीबन 3/4 केजी ली थी, साफ़ होकर जो है ये 1/2 केजी है। और तेल चाहिएगा हमारा इसमें 3 to 4 टेबल स्पून या जितना आपको ज़रूरत है हस्बे ज़रूरत। और हमारे रोज़ के जो मसाले हैं, नमक है, लाल मिर्चें हैं, ज़ीरा है, हल्दी है, धनिया पाउडर है और ये पेपरिका है, ठीक है। तो ये जैसे मैं डालूंगी वो मैं आपको बताती जाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर हम डाल रहे हैं 4 to 5 टेबल स्पून ऑयल। ज़रा सा हमारा ऑयल गर्म होगा तो हम इसमें डालेंगे दालचीनी का 1 टुकड़ा और 3 से 4 लाल मिर्च साबुत। इसके साथ ही यहाँ पे मैं डालूंगी प्याज, अच्छा इसमें हम 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून के करीब जो है लहसुन अदरक डाल रहे हैं। और इसमें जो है हम सारे मसाले डालते हैं, पहले टमाटर डालेंगे, 2 टमाटर हमने चॉप किए हुए डाले। और अब जो है इसमें हम मसाले डालेंगे, नमक मिर्च आप अपने ज़ौक के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैं जो है इसमें 2 टीस्पून डाल रही हूँ, हल्दी 1/2 टीस्पून, ज़ीरा 2 टीस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत जितना आप पसंद करते हैं और 3 टीस्पून धनिया पाउडर। ज़रा सा पानी डालेंगे और मसाला भूनेंगे। अच्छा, अब देखें इसका मसाला अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें जो कटी हुई लौकी है ये हम डाल रहे हैं, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं जाएगा, लौकी खुद अपना पानी भी रिलीज़ करेगी तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। बस ज़रा सा सिर्फ डालेंगे इसमें, तकरीबन 1/2 कप के करीब हम इसमें ज़रा सा पानी डालेंगे बस। जब ये 80% गल जाएगा तो हम इसमें जो है वो दाल डालेंगे, फिर जो है दोनों को साथ में थोड़ी देर पका लेंगे। अच्छा देखें, 10 मिनट हो गई हैं, बहुत अच्छी सी ये गल गई है, टेंडर हो रही है, देखें ये बस 5 मिनट की कसर है। तो ये 5 मिनट जो है वो दाल के साथ पकेगी। ज़रा सा मैं इसमें पानी डालूंगी, 1/4 कप और डाला मैंने इसमें पानी। अगर आपको बहुत ज़्यादा गली भी पसंद है तो आप इसको और थोड़ा सा गला सकते हैं। और इसके साथ यहाँ पर मैं चने की दाल डाल रही हूँ, इसको हल्की आंच पे दम पे रख देंगे 5-10 मिनट और ये बिल्कुल तैयार है। गर्मी में बहुत अच्छी लगती है, लौकी सुन्नत भी है, ज़रूर इसको अपनी डाइट में ऐड कीजिए और बच्चों को भी ज़रूर खिलाइए। ये 2-3 हरी मिर्चें डाल रहे हैं इसमें, थोड़ा सा हरा धनिया और इसको दम पे रख दें। अगर आपको शोरबे वाली चाहिए तो आप थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, और अगर ड्राई पसंद है तो थोड़ा कम पानी डालिएगा, ठीक है। बस इसको 5 से 10 मिनट दम पे रखते हैं, ये तैयार हो गया। टोटल इसमें जो है वो 1 कप पानी गया है, 1/2 कप पहले गया था, 1/4 कप अभी डाला और 1/4 कप अभी दम पे रखा है। अच्छा देखिए, हमने इसको दम पे रख दिया था दाल डाल के 10 मिनट के लिए और अब ये जो है देखें बिल्कुल तैयार हो गया है। इसकी निशानी ये है कि देखें इसका तेल जो है वो साइड पे से आ गया है ऊपर और ये बहुत अच्छे से गल गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी होगी और मैं आपको इसको डिश आउट करके बताऊँगी आप और रोज़मर्रा की रेसिपीज़ में क्या देखना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी और रेसिपी में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोगों में से बहुत सारे जो नए मेरे व्यूअर्स हैं और जो मेरे नए कस्टमर्स हैं, वो मुझसे पूछते हैं कि आप टिन पैकिंग का हमेशा बताती हैं, तो हमें ज़रा सा इसकी डिटेल बता दीजिए कि किस तरह से होते हैं, कहाँ होते हैं, कितने लिए जाते हैं। तो सारी डिटेल्स जो हैं वो नीचे आ रही हैं। मैं सिर्फ आपको ये दिखा रही हूँ कि देखें इस तरह से हम टिन पैक में देते हैं। एक छोटी पैकिंग भी है, एक इससे बड़ी भी आती है। ये जो है ये दो लोगों के लिए, दो से तीन लोगों के लिए इनफ होता है, डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ योर मेन्यू। जैसे दम का कीमा है, ये तीन लोग आराम से खा लेते हैं हाफ के जी में, वरना दो लोगों के लिए तो ये बिल्कुल परफेक्ट होती है। ये आप जो है बिल्कुल सेफ है, इसको आप हर जगह ले जा सकते हैं। बाहर जहाँ पे जा रहे होते हैं आप, उम्रे वगैरह के लिए, हज के लिए, बाहर यूरोपियन कंट्रीज़ में हलाल गोश्त के जहाँ पे प्रॉब्लम है, अमेरिका में, कहीं पे भी आप पूरा थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। ये जो है इसकी वैलिडिटी जो होती है वो एक साल तक ख़राब नहीं होता है। और इसको जो है मैं कैंस में भी देती हूँ और पाउचेस में भी देती हूँ। बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, बिरयानी, जरदा, पुलाव, वो भी वगैरह जाता है। और आपकी भी कोई प्रेफरेंसेस होती हैं तो वो भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं अवेलेबल होती हैं। बहुत से लोग ले जाते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं, बच्चे बाहर बहुत से लोगों के पढ़ रहे होते हैं तो उनको भी चाहिए होता है, तो सारी चीज़ें सारी जो है मेरे पास अवेलेबल होती हैं। और यहाँ पर जो है आप इसको नीचे सारी डिटेल्स और कॉन्टैक्ट्स आ रहे होंगे, आप वहाँ पर जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा अगर आप लोगों को ऑर्डर करने हो तो। स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच।